हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये पिंक आईलाइनर कैसे लगाएं। इसको हम किसी भी कलर में लगा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पिंक लिपस्टिक, एक ब्रश, और उस ब्रश में हम लिपस्टिक को थोड़ा थोड़ा पिक करेंगे और अपनी आईज के कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी आईब्रो के पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद उस लाइन के कॉर्नर से हम अंदर तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक वी बनाना है हमें। उसको आप अपने हिसाब से प्रॉपर शेप दे सकते हैं। आईज के इनर कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए विंग तक मैच करनी है, और आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा बोल्ड चाहिए तो आप और भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी मार्केट से कोई आईलाइनर, कलर आईलाइनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद भी कोई भी कलर से, रेड, मैरून, कोई न्यूड कलर हो गया, और कोई भी कलर से आप ये बना सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज करके और लिपस्टिक चेंज करके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं दूसरी साइड भी ऐसी सेम बना रही हूँ। देन फिर इनर कॉर्नर से ज्वाइन करते हुए विंग को। इसके बाद मैंने यूज़ किया है मस्कारा। अगर इसके साथ काजल लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने सिर्फ इसके लिए मस्कारा ही यूज़ करा है। इट्स अप टू यू। मस्कारा होता है उसको शेक करके यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी लैशेस पे प्रॉपर लग सके। और इससे ही मैं अपनी आईब्रो को भी कॉम कर रही हूँ। देन उसी पिंक लिपस्टिक से मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिखाया है कि विंग आईलाइनर और काजल कैसे ड्रॉ करें। और ये आईलाइनर आप किसी भी लिक्विड लिपस्टिक के साथ लगा सकते हैं, पर ये बुलेट लिपस्टिक पर नहीं लग सकता क्योंकि वो बहुत ही क्रीमी होती है और उसको बहुत लगाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी लिपस्टिक लगाई है यही सेम कलर की। ये बहुत ही डार्क शेड था तो मैंने इसको थोड़ा पाउडर टैप करा जिससे लाइट कलर हो गया। और यहाँ पे मैं सेम पिंक शेड का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। उसको अपनी चीक्स पे थोड़ा सा ड्रॉ करना है और उसको फिर ब्लेंड कर लेना अपनी फिंगर की हेल्प से। ये फिंगर से बहुत ईजिली हो जाते हैं। और ये देखो, यहाँ पर मैं गाने गा रही हूँ कितने ध्यान से लगी हूँ। और फिर सेम साइड ही दूसरी साइड भी सेम करना है। बहुत आइडियाज़ हैं। अगर आपके पास ब्लश नहीं है या कोई आई शेडो नहीं है ब्लश वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लिपस्टिक से भी ब्लश लगा सकते हो। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा सेट करने के लिए मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, उसको थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा टैप टैप किया है जिससे ये थोड़ा सेट हो जाएगा और ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये आईलाइनर की ट्रिक कैसी लगी आपको। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। वैसे भी हम ब्लैक आईलाइनर को लगा लगा के बोर हो गए हैं, तो कुछ न्यू होना चाहिए, है ना। देखो कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।